उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा, और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आदरणीय प्रधानमंत्री से हमें अनुग्रहित करें माने। सभी को मेरा नमस्कार। भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में पहली राजकीय यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत यादगार कर दिया। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरे बारे में कहा तो शुरुआत की, कृषक पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आयोजन का चुनाव किया ये आप सब जानते हैं कि विश्व में टंका भारत का बजेगा तो इसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से बजे। इस बड़े प्रांत की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबर बनाई है, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक रहे।